वट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर लिफ्टिंग विद क्रेन यानी क्रेन से लिफ्टिंग के क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट लिफ्टिंग वर्क परमिट क्रेन से लिफ्टिंग के लिए लिफ्टिंग वर्क परमिट चाहिए सेकेंड लिफ्टिंग जे एस ए लिफ्टिंग के लिए जे एस ए चाहिए नेक्स्ट क्रेन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ क्रेन बिफोर लिफ्टिंग यानी लिफ्टिंग से पहले क्रेन का सेफ्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए और चेकलिस्ट भी होना चाहिए नेक्स्ट क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए नेक्स्ट क्रेन ऑपरेटर एंड रिगर्स मस्ट बी सर्टिफाइड यानी क्रेन ऑपरेटर और रिगर्स सर्टिफाइड होने चाहिए नेक्स्ट क्रेन आउट रिगर्स मस्ट बी एक्सटेंडेड एज पर लोड यानी लोड के अकॉर्डिंग आउट रिगर्स एक्सटेंड होना चाहिए नेक्स्ट लिफ्टिंग एरिया और स्विंग एरिया मस्ट बी बैरिकेडेड एंड वार्निंग साइनेज मस्ट बी डिस्प्लेड यानी लिफ्टिंग एरिया या स्विंग एरिया प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए और वार्निंग साइनेज भी लगा होना चाहिए नेक्स्ट अगर लिफ्टिंग एरिया में कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है या सोयल कंपैक्ट नहीं है तो आउट रिगर्स के नीचे मेटल प्लेट रखा होना चाहिए नेक्स्ट लिफ्टिंग प्लान मस्ट बी प्रिपेयर फॉर क्रिटिकल लिफ्टिंग यानी क्रिटिकल लिफ्टिंग के लिए लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए लिफ्टिंग प्लान क्या है इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड है वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स चेक करें नेक्स्ट वॉट इज क्रिटिकल लिफ्टिंग यानी क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या है जिस लिफ्टिंग में हाई रिस्क हो वो क्रिटिकल लिफ्टिंग है क्रिटिकल लिफ्टिंग के कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस कंपनी टू कंपनी अलग होते हैं मैं आपको यहाँ साबिक में जो फॉलो होता है वो बता रहा हूँ फर्स्ट लिफ्टिंग ऑफ आर टी इक्विपमेंट नेक्स्ट एनी लिफ्टिंग एक्सीड्स सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ क्रेन रेटेड कैपेसिटी यानी अगर हम क्रेन का 75 परसेंट कैपेसिटी के ऊपर कोई लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो क्रिटिकल लिफ्टिंग है नेक्स्ट कंडीशन है टेंडम लिफ्टिंग टेंडम लिफ्टिंग में हम एक साथ मल्टीपल क्रेन यूज करते हैं तो टेंडम लिफ्टिंग भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है नेक्स्ट कंडीशन है लिफ्टिंग ओवर लाइव इक्विपमेंट और नियर एनर्जाइज इक्विपमेंट यानी अगर किसी लाइव इक्विपमेंट या किसी एनर्जाइज इक्विपमेंट के पास लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है